अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम आए हुए हैं मकीन फूड कबाब खाने और बिरयानी। यहाँ का टेस्ट बहुत आला है यहाँ का, क्योंकि काफ़ी साल बाद मैं यहाँ आया हूँ, तो ये मैं करके करीब है मगर चक्कर नहीं लगता। तो आज मैंने टेस्ट चेक किया तो वही है टेस्ट इनका कबाब का, और आज मज़ा आया। अंदर जाते हैं, चेक करते हैं यहाँ के कबाब कैसे हैं। तो यहाँ का हम कबाब लेते हैं तो फिर हम आपको बता दें यहाँ का टेस्ट कैसा है। खाना आ गया है, कबाब दे रहे हैं, कितने ज़्यादा क्वांटिटी में दिए हैं उन्होंने। और ये बिरयानी है, और ये देखें कबाब, देखें धागा कबाब ऐसे होते हैं। ये पराठे आए हैं, देखें अब टेस्ट करते हैं कैसा है। चलो भाई, यहाँ का तो कबाब खाया तो मज़ा आया मकीन फूड का, क्योंकि मकीन फूड वालों ने वही क्वांटिटी और रखी है, वही है जो मैं काफ़ी साल बाद पहले खाया था, तो वही चीज़ है। बिरयानी का टेस्ट भी वही है, और बस ये है कि बस थोड़ा सा इनकी जो आप जब लोग आए तो यहाँ पर मेरे रिव्यू मैं ये देता हूँ कि आप यहाँ का खाना लाजमी चेक करें, और मेरे कमेंट्स पर ये बताएगा कि खाना आपको कैसा लगा यहाँ का। क्योंकि खाना तो अच्छा है यहाँ का, और अभी वही कबाब बनाएंगे हम यहाँ के। अभी वहाँ का भी बहुत मशहूर है वहीद कबाब, और ये अपना गफ्फार। मैं मुझे टाइम नहीं मिला वहाँ का, भी हम वहाँ का जाकर चेक करेंगे, क्योंकि आउट क्लास सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है गफ्फार। गफ्फार का एक दफ़ा आप लोग खाएं तो अब मैं आपको ज़रूर व्लॉग में बनाऊँगा एक दफ़ा, तो फिर हम बताएँगे। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हमारे ना हुसैनाबाद आइसक्रीम खाने, कराची आइसक्रीम, और काफ़ी टाइम से हमने नहीं खाई, तो आज हम चेक करेंगे कराची आइसक्रीम का टेस्ट। मटका फ्राइज तो नहीं भाई, हम लोग यहाँ कराची आइसक्रीम आ गए और हुसैनाबाद के, और ये बहुत फेमस है, मैंने बचपन में खाई थी। अब पता नहीं इसका यहाँ का टेस्ट कैसा है, और उस टाइम मैंने 35 रुपए की खाई थी। अब पनीर कितने की है? अलमक्का भी है, एक यहाँ पर अलमक्का भी है। अब ये देखिए कराची चलते ना यार, कराची में वहाँ पर ज़्यादा रश है। ये तीन, एक कराची आइसक्रीम है, ये अलमक्का है, और फिर आगे कराची आइसक्रीम है। तीन चार बने हुए हैं यहाँ पर हुसैनाबाद पर, तो अभी समझ में नहीं आ रहा कहाँ बैठे। भाई यहाँ पर हम आए कराची आइसक्रीम खाने के लिए। भाई ऐसे बुला रहे हो क्या, तो एक पे एक फ्री है क्या? बड़ी बना कर देगी। चलो यार जल्दी से बनवा लो, ऊपर भी बैठने का है। मेरी भी ले लो डिप कौन? हाँ ये कौन सी है, हाफ डिप कौन? यही पहले जब मैं बचपन में आया था 35 रुपए की थी, 30 रुपए की। अब देखो यार, इतने सालों बाद आया हूँ, अभी 120 तक पहुँच गई है। चलो जल्दी बताओ खाने के बाद आप बताएंगे कौन सी अच्छी है। हाँ मेरी यार डिप कौन ले लो यार, 120 कब दें, कब कौन ले लो? अमल हम दोनों की एक है, क्योंकि अमल की तबीयत सही नहीं खा चुका हूँ। और यहाँ पे
देखें हुसैनाबाद पर कितना रश हो रहा है यहाँ पर, तो भाई यहाँ चलने की जगह नहीं है। गाड़ी मैंने आगे जाकर पार्क की है क्योंकि वहाँ पर यहाँ खड़ी करने की बहुत मसला होता है यहाँ पर। और अभी हम ऊपर चलते हैं, ठीक है भाई। ये हमारी डिपो ना आई है, ये देखिए किस तरीके से इन्होंने बना कर दी है डिपो, और ये देखिए कैसी लगी है यार कराची आइसक्रीम की डिपो ने। अब ये टेस्ट चेकिंग है कैसी है क्योंकि पता चलेगा भाई। तो ये डिपो ना आई है हमारी, इतनी बड़ी है ये अंदर बैठने की जगह है, और देखें कितनी अच्छी जगह बनाई हुई है कराची आइसक्रीम वालों ने। भाई इसके बच्चे बहुत तंग करते हैं ना आइसक्रीम के लिए, तो आप ना यहाँ आए तो यहाँ का कम रेट में आपको 120 रुपए का बहुत बड़ी आइसक्रीम मिलेगा। बड़ा चार बच्चे खाएंगे इतनी मिलेगी। बच्चे खत्म ही नहीं होगी, देखिए खत्म ही नहीं होगी, कब से खा रहा हूँ।